नरेंद्र मोदी भाजपा की केंद्र सरकार के 8 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को एक बुकलेट जारी करके भाजपा सरकार की कथित विफलताएं बताने का काम शुरू किया है। इस बुकलेट का नाम 8 साल 8 छल भाजपा सरकार विफल रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन ने सवाल किया, किसके अच्छे दिन आए? माकन ने कहा, अच्छे दिन केवल उनके आए हैं जिन्होंने मोदी सरकार में बैंक में 5,35,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। लेकिन जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था उनके लिए क्या किया गया? अजय माकन और संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सरकार की 8 बड़ी विफलता गिनाते हुए पुस्तिका जारी की और कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ छल ही किए हैं और जिन हित में कहीं कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। पुस्तिका में सरकार पर आंकड़ों के साथ तीखा हमला करते हुए कहा गया है कि भाजपा सरकार ने 8 साल में महंगाई से लोगों का जीवन तबाह कर दिया। 8 साल में इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाकर कमाए हैं और इस एक्साइज ड्यूटी 110% बढ़ाई है, जबकि गैस पर सब्सिडी खत्म की गई है, जिससे 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर आज 1000 पर पहुंच गया है। CNG 35 रुपए से 75 रुपए प्रति किलो हो गई है। आवश्यक दवाओं तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटा जा रहा है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स को कम किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का दूसरा छल बेरोजगारी को बताते हुए उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी 7.9% के स्तर पर है, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। देश में आज इस सरकार की नीतियों के कारण 48 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जबकि सरकारी नौकरी के 62 लाख पद खाली पड़े हैं। जिस विनिर्माण क्षेत्र को हब बनाने की बैठक रही थी, 2.5 लाख लोग इस विनिर्माण क्षेत्र में बेरोजगार हुए हैं। सेना और पुलिस में 9 लाख तथा रेलवे में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि LSE पर चीन जिस तरह लगातार आक्रामक बना हुआ है, जो चिंता का विषय बना हुआ है, चीन के मुद्दे पर जिस गंभीरता से निपटना चाहिए, केंद्र सरकार उससे सही तरीके से नहीं निपट रही। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक सौहार्द को पहुंचे नुकसान की भी बात होगी और चुनावी ध्रुवीकरण के लिए हाल के महीनों में कई राज्यों में फैली अशांति को भी जगह दी गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस द्वारा जारी होने वाले मोदी सरकार के 8 साल के इस रिपोर्ट कार्ड में COVID-19 से निपटने की केंद्र सरकार की नाकामी का भी जिक्र है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।